ना होवे कोई भावे कोई किसी मर्जी पार्टी का होवे कानून हरेक वास्ते एक देखा होना कल कोई जीरो टॉलरेंस है जी सके सका मेरा कोई भैन भाई मेरा कोई सका भतीजा भाणजा भी आवे ना असी नहीं किसी बख्शना जिहड़ी मर्जी पार्टी होवे लोगों के पैसे का हिसाब लवेंगे भावे वह रेते राही खाधा है भावे वह बसा राही खाधा है भावे वह वजीफिया राही खाधा है भावे वह ग्रांटा राही खाधा है भावे वह दरख्तों राही खाधा है भावे वह सड़क राही खाधा है किन्ने भ्रिष्टाचारी फड़े ने और उन्होंने फरमाइशां चल रही हूँ उन्होंने बनाया की है घर देख के हैरान हो जाओगे घर नहीं है वो बहुत बड़े बड़े महल ने जिथे एक बार बंदा वड़ गया शायद आप भी उन्होंने टब्बर को पूछना पैंदा फोन करके मैं किधर दी निकलना बाहर स्कूल बनावांगे शानदार ओ स्कूल सरकारी स्कूल जिथे पढ़ के थोड़े बच्चे डीसी बन जिथों पढ़ के थोड़े बच्चे अफसर बन डॉक्टर बन वकील बन इंजीनियर बन इस तहसील च आ अफसर बैठा है जी वो आप नहीं लेंदा पैसे बाहर वह वसीका नवीस जहा बैठा जी एक कहता वो दसो सानू आखिर शाम तक थोनू क्लीयर मिलेगा सारा समान सारे पंजाब वास्ते ही कोई बजट की कमी नहीं कोई खजाने खाली नहीं वो तो पहले एवं कही गए खजाना खाली है आज जो सड़क आने देने होंगे से उदों पता नहीं कितों आ जाते जो आप खाने होंगे से उदों पता नहीं कितों आ जाते बेहिम्मते होंगे ने जेड़े बह के शिकवा कर मुकदरों का उगण वाले उग पेंदे ने सीना पाड़ के पत्थर का मंजिल के मत्थे ते तख्ती लगती उन्होंने नावों की जेड़े घरों बना के तुरते ने नक्शा अपने सफर का तुसी देख लो किन्ने भ्रिष्टाचारी फड़े ने और उन्होंने फरमाइशां चल रही हूँ उन्होंने बनाया की है घर देख के हैरान हो जाओगे घर नहीं है वो बहुत बड़े बड़े महल ने जिथे एक बार बंदा वड़ गया शायद आप भी उन्होंने टब्बर को पूछना पैंदा वो फोन करके मैं किधर दी निकलना बाहर इन्ना इन्ना पैसा थप्पया होया कितों आया जी पैसा हो अपना पैसा जी थोड़ा पैसा जी असी नहीं किसी बख्शना जिहड़ी मर्जी पार्टी होवे अभी देखते नहीं है कि आदा नाम है ये ब्रैकट च की लिखा हुआ कि पार्टी है ना फिर आ शहीदों असी फिर क्यों शहीद करा लिया फिर जे आही देश रखना सी करप्शन वाला तो वह जेड़े हमला करना आए थे उन्हें उस मुल्क का हाल देखो उसे करप्शन सी उसे डेमोक्रेसी नहीं सी अज हाल देखो उन्होंने पाकिस्तान का सानू सिस्टम क्लीयर करना पू वास्ते थोड़ा साथ चाहिए भावें साडा अपना होवे कोई भावें कोई किसी मर्जी पार्टी का होवे कानून हरेक वास्ते एक देखा होना कल कोई जीरो टॉलरेंस है जी सके सका मेरा कोई भैन भाई मेरा कोई सका भतीजा भाणजा भी आवे ना लोगों का पैसा नहीं सी लोगों के पैसे का हिसाब लवेंगे भावें वह रेते राही खाधा है भावें वह बसा राही खाधा है भावें वह वजीफिया राही खाधा है भावें वह ग्रांटा राही खाधा है भावें वह दरख्तों राही खाधा है भावें वह सड़क राही खाधा है जिमें मर्जी खाधा है जिहड़ा पैसा लोगों का खा लिया पंजाब का वो तो असी इन्हां कोल रहण नहीं देना ब्याज समेत सीधा खजाने च खजाने चो सीधा थोड़े कोल दो ही रूट आउंदे मैनू होर मैं बस तो पाउणी नहीं कोई मेरा रूट है भ्रिष्टाचारियों तो पैसे लैके खजाने च खजाने चो सीधा रूट थोड़े कोल बस बहुत हो गया जी बहुत हो गया बहुत झल बड़ी राज नहीं सेवा भी कर ला करा के देख ली बहुत सेवा कमाल दी भी साल दे अग्रीमेंट कर ले टोल प्लाजे वाले नाल हुण आही सड़क किवें फ्री होगी जी सारी हुण हुशियारपुर जिला पंजाब का पहला जिला है जो टोल मुक्त हो गया जी पहला सब तो पहले इत्थे होंदे सी क्योंकि नीयत साफ होनी चाहिए।
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, 23-23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫਾਂਸੀਆਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਵੱਧ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਪੈਸੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਚਾਂਦਪੁਰ ਰੁੜਕੀ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਪੈਸੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਮਗਰ ਖਿਆਲ ਇਤਨਾ ਰਹੇ ਕਫਨ ਪੇ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਉਣ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀਰੋ, ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 'ਤੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਏ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ। ਚਾਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੇਲਾਂ ਦਾ, ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ, ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਖਿਆਲੋਂ ਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਜੇ ਜਿਉਂਦਾ, 90-90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਗੁੰਮਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੰਡਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਪੈਰਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 20-20 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਦੇ ਟੋਇਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉੱਠੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਰ ਫਕੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਬਲੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣੂਗਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਨਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਉ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਆਹ ਅਫਸਰ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪੈਸੇ, ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਆਥਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਨਵਾਂ ਚ ਆ ਜਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਿਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਗਿਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਸੀ, 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਅੱਜ, ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਟੂਮਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੱਲੀਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ 22-23 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਐਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ 90-90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀਰੇ ਕਿਉਂ ਗਵਾਲੇ ਅਸੀਂ? ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਪਰੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਿਉਂਕ ਜੜਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਪਰੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੱਪ ਸੁੱਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੱਪ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ,
सप्प किहड़े पास्यों मरदा जी, सिर वाले पास्यों जां पूछ वाले पास्यों? सिर वाले पास्यों। जे पूछ वाले पास्से मारोगे वो होर हंकार जांदा, खड़ जांदा। सिर चंडीगढ़ बैठे ने, कुट्टी पूछा जानी है इत्थे पिंडां च, पटवारी फड़ लिया जी, वो जेई फड़ लिया जी, वो सिरां वाले पास्से आओ। हुण थोड़ा जिहा सिर ते पैर ते रहा तां हुण तुहानूं थोड़ा जिहा राहत मिलण लगी है, थोड़ी बहुत होर भी वधिया हो जाऊगा, होर भी वधिया हो जाऊगा। यकीन रखियो मेरे ते, साडी मंजिल क्लीयर हुंदी है, साडा नक्शा क्लीयर हुंदा है। बेहिम्मते हुंदे ने ओ जिहड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा। उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा, ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी वांगू। बेहिम्मते हुंदे ने ओ जिहड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा। उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। मंजिल दे मत्थे ते तख्ती लगदी उन्हां दे नावां दी, जिहड़े घरों बना के तुरदे ने नक्शा अपने सफरां दा। सो नक्शा सफरां दा बना के चलांगे, पंजाब नूं दुबारे रंगला पंजाब बनावांगे, और बड़ी जल्दी पंजाब दे विच जिहड़े ओ लहर जिहड़ी है विकास दी उह चलूगी। ते नफ़रत दे बीज आपां बिल्कुल नहीं उगण देणे। मेरे वल्लों तुहानूं इह बेनती भी है ते मैनूं इह यकीन भी है। बाकी जिन्नियां भी पिंड दीआं कोई सरपंच साहब खड़े ने, बिंदर कुमार जी, कोई पिंड की कोई खास मैनू ये दस दो, कोई एक रोड 18 फुट रख दो जी, 18 फुट रोड के है डल्लेवाल तो चांदपुर उड़की 18 फुट ही करने जी सर। ठीक है, तो एक थोड़ी कंडी नहर जी बहुत जल्दी चला रहे हैं, वो साढ़े सिस्टम के आ चुकी है। तो कंडी नहर जी है वो असी कल भी मैं तेलंगना गया होया सी, उन्हों का यही सिस्टम देख के आया मैं। असी नहर अपन जे कि चला लीए सारिया, थोड़ा जहा रिपेयर करने की लड़ है। 70 साल 75 साल पुराना सिस्टम है आज़ादी तो पहल का, सो उन्होंने सिस्टम ठीक कर लिए तो साढ़े को इन्ना पानी है कि असी हर घर के नहर का पानी, हर खेत नहर का पानी, हर इंडस्ट्री नहर का पानी दे सकते हैं। सो इस करके जिन्या भी सरपंच साहब ने मंगा, सरपंच साहब लिख के थोड़ा जहा दे दौ, है मता पा लूंगा मैं पंचायत चीज़ है, सू एम एल ए साहब न दे दौ। तो 18 फुट जी रोड तुम कहने बिल्कुल और बनूगी, और जिमें तुम स्कूल का क्या मैडिकल कॉलेज का भी क्या है, और जो भी इस इलाके हुशियारपुर तो बन रहा है, पर जो इस इलाके मैडिकल कॉलेज की तजवीज आई तो असं मैडिकल कॉलेज भी उत्थे बनाना चाहते हैं जिथे लोग पढ़े लिखे नहीं है पछड़ गए, ज एजुकेशन का कोई आया ही नहीं, मतलब मौका ही नहीं मिले। असं उन्होंने मौका देना चाहते हैं कि इतों निकल के डॉक्टर MBBS बन थोड़े पिंडा चो, उन्होंने नेड़े। आम तौर पर आप करते हैं कुड़ियों खास तौर पर 8वीं 10वीं तो बाद हटा लें, क्योंकि साधन है नहीं कितने जाने दे, कल युग का जमाना है। तो वो जिहड़ा ड्रॉप आउट है वह बहुत दुखदायक है। सो जे कि असी थोड़े रेडियस के थोड़ी पहुँच के मेडिकल कॉलेज होन, हस्पताल होन, वधिया स्कूल होन, तां जिहड़ा बलाचौर दा इलाका है वह अज जे उहनूं कहिंदे ने कि असीं जी पछड़े होए हां, कोई नहीं पछड़े होए। तुहानूं पंजाब जे तरक्की करेगा तां विच नाल बलाचौर दी तरक्की भी होगी। सो इह नहीं हैगा कि कोई खास इलाका तरक्की करेगा जां कोई खास इलाका रह जाऊगा। सारे पंजाब वास्ते ही कोई बजट की कमी नहीं, कोई खजाने खाली नहीं, वो तो पहले एवं ही कही गए खजाना खाली है, खजाना खाली है। आज जो सड़क आने देने होंगे सी उदों पता नहीं कितों आ जाते, जो आप खाने होंगे सी उदों पता नहीं कितों आ जाते। सो असी तुहानूं ये यकीन दवाने खजाना पबलिक दा, तो खजाना पबलिक ही भरती है, तो खजाना नाल पबलिक दीआं जेबां ही वापस भरिया जाणगीआं। मेरी इन्नी हाजिरी तुसीं कबूल करिओ, क्योंकि लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मिलते रहेंगे, जो मर्जी उत्थे चंडीगढ़ आओ, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी किस्म की शिकायत हो साढ़े तक पहुँचाओ, असी थोड़ी सेवा लिए हाजिर हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतह।